Samarthanam Trust for the Disabled. Walking Bike and for Persons with Disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. डिस्क्लेमर, वैसे हमें ये देने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक जिम्मेवार रेडियो के जिम्मेवार आरजे होने के नाते आपको सावधान करना हमारा फर्ज बनता है, सो हम कर देते हैं। यदि हमारा शो सुनकर आपकी डायबिटीज या बीपी क्योर हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहते। और अगर हमारे शो में हंस हंस कर आपका ब्लड ओवरफ्लो हो जाए तो आप अपने नजदीकी ब्लड बैंक में जाके उसे डोनेट कर सकते हो। यदि हमारे जोक आपको समझ आ रहे हो तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यदि समझ में नहीं आ रहे तो क्या करते हो यार, मैकेनिक के पास जाओ यार। अगर हमारे शो को लेकर आपके पास कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो प्लीज 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 मेहरबानी करके वो अपने पास ही रखिए, हमें देने या हम तक पहुंचाने की बिल्कुल भी चेष्टा मत कीजिए, हमें आपके सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बहुत समझ आ रहे हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man. आ गया आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष, लेकर आपका अपना शो कॉमेडी का क्रोकोडाइल। तो बने रहिए घंटा मेरे साथ और सुनते रहिए शो को, एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। दोस्तों, एक बार और फिर से हाजिर हूं मैं आपको हंसाने के लिए। इन्हें बब्बन कह के पुकारा जाए या फिर सर्किट, इन्होंने हर बार स्क्रीन पर अपने अभिनय से धमाल मचा दिया। नाम है इनका अरशद वारसी। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको आप सभी के फेवरेट अरशद के बारे में और सुनाऊंगा उनके कुछ यादगार कॉमेडी सीन। तो हंसने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल, ओनली ऑन रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। इनका जन्म 19 अप्रैल सन 1968 में हुआ। इन्होंने बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। हुआ यूं कि बचपन में ये अनाथ हो गए, फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। मात्र 17 साल की उम्र में ये डोर टू डोर कॉस्मेटिक आइटम बेचा करते थे। फिर इन्होंने ये फोटो लैब में काम करने लगे। फिर धीरे धीरे इनकी दिलचस्पी डांस में बढ़ने लगी। फिर इन्होंने मुंबई में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। 1991 में इन्होंने इंडिया डांस कंपटीशन जीता। फिर उसके बाद वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जो कि लंदन में हुई, वहां भी इन्हें खूब सराहा गया। धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का डांस स्टूडियो खोल लिया जिसका नाम रखा ओसम। वहीं उनकी मुलाकात इनकी होने वाली जीवन साथी से भी हुई, उनका नाम था मारिया। एक कोरियोग्राफर से लेकर फिल्मों में काम करने तक का सफर इनका कैसे शुरू हुआ ये बताएंगे हम आपको आगे इस शो में।
अभी सुनवाता हूँ मैं आपको इनका एक कॉमेडी सीन, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को ओनली ऑन रेडियो डन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये पीआईएल डाल दी आपने है? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। मैडम जी बच्चा है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सबूत है मैडम। बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। अरे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तो इकलौता नहीं है। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे। करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है, फेमस, रिस्पेक्टेड। यू नो मीडिया जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट दौड़ती रहे, जब कोर्ट रूम में घुसे ना तो हल्ला मच जाना चाहिए। बड़े बड़े कोर्ट रूम, बड़े बड़े जजेस, ये चाहिए मुझे यार। सजी आपका गोला। थैंक यू। केस ही नहीं हुजूर, द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। थिंक प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकलिटी गई गधी के पिछवाड़े में। मुझे तो बस अभी लड़ना है। दो कौड़ी के वकील क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूँ, अपनी औकात पे आ गया ना तो का गुड़गांव बना दूंगा। Slammed him completely. तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के ही निकालूंगा। Who is this Jolly? He is nothing. He is nobody. कान के नीचे खींच कर दूंगा ना, अगली सात मुझसे तेरी साली बहरी पैदा होंगी। बस आप इसको बोलिए। चुप जनाब, इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहेगा नहीं रहेगा, तेरी औकात। बस करो, बस करो। कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या लंबे होते हैं? बकोसले हैं सब, बकवास। तलाक मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन मैं भी चलूंगा। कहाँ? कोर्ट। क्यों? मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी शादियां देखी है लेकिन तलाक नहीं देखा, इसलिए। वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हैं? उसके ऊपर से माँ आ रही है पंजाब से। पंजाब? अब डॉक्टर मल्होत्रा के समझ में आ नहीं रहा है कि माँ को लेने स्टेशन जाए या मिसेज नैना मल्होत्रा को डिवोर्स देने कोर्ट जाए। माँ को प्यारे ले आएगा? क्यों प्यारे माँ को ले आएगा? Anything for you। इधर आइए अंकल। हाँ ले आएगा, ले आएगा। लेकिन मैं माँ को पहचानूंगा कैसे? माँ की पहचान चाहिए? हाँ देख, उधर देख, ये पहचान। यही डॉक्टर की माँ हो सकती है। पंजाब से 30 घंटे का सफर करके एक माँ अपने बेटे से मिलने दौड़ी चली आई है और तू उसे टिकट मांग रहा है? एक माँ से टिकट मांग रहा है? अब खोतिया, तेरी माँ होती तो। माफ करना माँ जी, आज के बाद किसी भी माँ से टिकट नहीं मांगूंगा, मेरी माँ की कसम। ये क्यों मारा? और कमाल है, किसी की भी माँ से टिकट नहीं लेगा। और रेलवे तेरे बाप की है? ले फाड़ टिकट। ये मेरा समीर कहाँ चला गया? पहचान लिया, समीर की मम्मी ना, मैं उसका दस प्यारे। ओए प्यारे या लक्ष्मी प्यारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता मेरा बेटा कहाँ है, चल। अरे आज वो नहीं आ सकता। क्यों? उसको डिवोर्स रहा, डिवोर्स तलाक। अब क्यों? ओए डिवोर्स के पहले शादी होती है, समझाना, इतना भी नहीं पता तुझे? कमाल। अरे लेकिन मम्मी जी, तेरे पुत्र की शादी हो चुकी है, आज का डिवोर्स है डिवोर्स। हाय रब्बा, मेरे बेटे की शादी भी हो गई, डिवोर्स भी हो रहा है और मैं पंजाब में बैठे बैठे अपना फैमिली बिजनेस ही संभालती रही। ओ बेटा लक्ष्मी प्यारे, बताना वो किस कोर्ट में ले चल पुत्र मेरे को। ओए लेकिन, लेकिन इफ बट माउथ शट, चल अब वहाँ पे, जल्दी देर ना हो जाए। आदब हां मुलायजा, होशियार, शहंशाह हिंद, मुगल आजम, शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, त
तशरीफ ला रहे हैं। अबे विकी क्या बोल रहे, मैं इतने छोटे से रोल को मिला नहीं यार, इसने लास्ट पिक्चर में मुगले आजम की थी, थोड़ा तब से ऐसे ही है, पैसे काटता हूँ साले के। हमारा हुक्म है अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, समीर और नैना, इनकी शादी ऐसे मोड़ पे आ गई है कि इसके आगे कोई रोड ही नहीं है, इनसे पूछते हैं। नैना जी, जी आपको कब ऐसा लगा कि आप इस घटिया इंसान के साथ रह ही नहीं सकती? शादी के अगले ही दिन। क्या बात कर रही हैं जी, फिर आपने इतने साल से झेला क्यों? अब क्या बताऊं योर ऑनर, हमारे देश की गवर्नमेंट कितनी ही बुरी हो, 5 साल तक तो झेलना ही पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर। समीर साहब, आपको इनसे क्या तकलीफ है? जज साहब, एक आदमी अपनी बीवी में क्या ढूंढता है, क्यों किचन में माँ की तरह खाना बनाए और बेडरूम में एक गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करे? जज साहब, इनके साथ उल्टा था। जज साहब, ये किचन में गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करती थी, कहती थी कि जानू आज खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से मंगा लो ना प्लीज, और बेडरूम में माँ की तरह डांटती थी मुझे, कहती थी कि बहुत लेट हो चुका है, जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठ के काम पे जाना है। अरे जज साहब, ये कोई शादी हुई? जज साहब, कमाल है, ऐसा होता था? नैना जी, आप बोलिए ना, आप कुछ भी बोलिए प्लीज, क्योंकि ये और लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। योर ऑनर, कोई क्लिनिक में अपनी उंगली की हड्डी दिखाने आ जाए तो ये तो हाथ ही पकड़ लेते हैं, और अगर कोई हाथ दिखाने आ जाए तो लड़ दीजिए, कुछ नहीं कहा जाएगा। छी छी छी। जज साहब, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सोनिया। जज साहब, जो आदमी 5 साल से अकाल में भूखा हो, जज साहब, वो मिठाई की दुकान देख कर भाग के जाएगा कि नहीं? जज साहब, आप ही मुझे बताइए। खामोश, मिठाई की बात कोई नहीं करेगा, मुझे डायबिटीज है। I'm sorry to hear that, जज साहब। अरे डॉक्टर की माँ थोड़ा हाथ से चला, तू उसकी माँ के भाई का छुपा कर की माँ है, अरे मरवा के क्या सीधा ऊपर हो जाएगी, अभी अभी धूम देख के आइए क्या? अरे मम्मी जी ने तलाक गाड़ी संभाल। मिस्टर समीर, आपकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, ये सुनकर आपको कैसे लगा? योर ऑनर, ऐसा लगा जैसे कि 5-स्टार होटल में कोई दूसरा खाना खा रहा है और बिल मुझे देना पड़ रहा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इस बात का पता आपको कब चला? 2 साल पहले योर ऑनर, एक रात जब ये मेरे साथ सो रही थी, इन्होंने मुझसे कहा कि जानू तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं चौंका, अल्लाह मेरी तो मुझे ही नहीं है। मिस्टर समीर, मुझे यानी मर्दानगी, आपके पास सिर्फ मुझे ही नहीं है, फिर आप मर्द ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, समीर मर्द है, मैं जानती हूँ, समीर मर्द है, मैं जानती हूँ। ये सब क्या हो रहा है, सब कोई ऑब्जेक्शन लिए चले जा रहे हैं। अरे रन में नहीं है, टेको मत ले, अरे कोर्ट नहीं ना ऊपर पहुँचाएगी। ओए स्पीकर, नॉट पुत्र, मैं निकली गड्डी लेके, अरे छोड़ आया ओ, अगे फिर कोर्ट आया माताली। ओए घबरा मत, तू घबरा मत, लेकिन जान लेगी। मिसेस मल्होत्रा, अगर आपका डाइवोर्स हो जाए तो बच्चे किसके पास रहेंगे? जी मेरे पास रहेंगे। नो योर ऑनर, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, वो बच्चे मेरी लाइफ है, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा मत करो योर ऑनर प्लीज। अबे पागल हो गए क्या? हाँ रख लीजिए, बच्चे आप ही रख लीजिए। योर ऑनर, ये मेरी दिल से दरखास्त है कि मेरे बच्चे इन्हीं के पास जाने चाहिए, प्लीज योर ऑनर। नो योर ऑनर, सॉरी मैं स्वार्थी हो गया था, भला बच्चों की परवरिश माँ से अच्छा कौन कर सकता है योर ऑनर, ये रखे बच्चे। योर ऑनर, ये शादी शादी नहीं बल्कि गठबंधन की ऐसी मिली जुली सरकार है जो लंबी चली नहीं सकती।
ऐसी सड़ी हुई हिंदी पिक्चर है जो 3 घंटे से चल रही है, खत्म ही नहीं होती, चले जा रही है। ऐसा क्रिकेट का मैच है जिसमें हर ओवर के बाद बारिश हो रही है। ऐसी खटारा गाड़ी है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है लेकिन बाजार में इधर उधर जाके लोगों को ठोक रही है, कोई मर जाएगा यार। इसे रोक दो प्लीज, इन्हें तलाक दे दीजिए। इन्हें तलाक दे दो प्लीज। डॉक्टर अंकल, असली कोर्ट रूम ड्रामा तो अब शुरू होगा। डॉक्टर की माँ की जय। कोई तलाक वलाक नहीं होगा। कौन है जो मेरी बहू को मुझसे छीन रहा है? माँ यहाँ पे क्या कर रही है तू? तुझे शर्म नहीं आती? पहले मुझे बिना बताए तूने शादी की और अब तलाक कर रहा है तू? आप अदालत की कार्रवाई में रुकावट डाल रही। और तू चुप कर, तेरे जैसे काले कौए मैंने बाजरे के खेत में बहुत उड़ाए, मार मार के कोई तलाक नहीं होगा। ये क्या हो रहा है मेरी अदालत में? लेकिन माँ, जज साहब अपना डिसीजन सुना चुके हैं। ओए जज का डिसीजन कुछ नहीं होता, माँ का डिसीजन बड़ा होता है। ओ ये, ओ व्हाट अ गुड टेस्ट पुत्र। जज साहब कितनी सोनी बहू है। आ मेरे पुत्र चल। अरे इसकी मुस्कान पे तो पूरा पंजाब और हरियाणा लट्टू होके भांगड़ा करेगा। और मेरे इस सोनी महिवाल की लव स्टोरी के अंदर इंटरवल तो हो सकता है लेकिन दी एंड कभी नहीं होना चाहिए। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। इन्हें पहली फिल्म ऑफर की जया बच्चन ने 1993 में, जिसका नाम था तेरे मेरे सपने, जो कि एबीसीएल प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक काम किया लेकिन उसके बाद कई फिल्में आई जो कुछ खास नहीं कर सकी। बेताबी, होगी प्यार की जीत, त्रिशक्ति, ये फिल्में अच्छी रही लेकिन वो सफलता हासिल ना कर सकी जिसकी इनको उम्मीद थी। इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद लगा कि ये बॉलीवुड में कहीं खो जाएंगे। तब 2003 में एक फिल्म आई जिससे इन्हें बॉलीवुड में फिर से खड़े होने का मौका मिला। वो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। ये संजय दत्त और इनके लिए, दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में इन्होंने सरकट नाम का किरदार निभाया जिसने लोगों को खूब हंसाया। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी मुन्ना भाई MBBS फिल्म का कॉमेडी सीन। इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान को। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाना मत यार, शो भी बाकी है। अरे ये सब कहां से कहां जा रहा है माँ? सरकेश्वर कोई समझाना यार। बाबूजी, अभी क्या है ना कि मुरली बाप अपना डॉक्टर है ना, तो क्या है कि वो टाइम आम का कोई ठिकाना नहीं है, 24 घंटा दुकान खुली रहती एकदम। और भाभी जी तो नहीं समझेगी ना इधर क्या चल रहा है। तो हाँ, भाभी जी अगर डॉक्टर होती तो इसका प्रॉब्लम समझ। ये तुमने सच कहा, डॉक्टर की समस्या सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकती है। वही तो बाबूजी, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अरे आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे?
अरे माँ तुझे क्या हुआ, तू भी हंस रही है? हमने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिए, तेरा इलाज करवाने के लिए कल तुझे उसके घर ले जा रहे हैं। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? चिंकी। चिंकी? चिंकी ये कैसा नाम है? वो अपनी चिंकी? भाई चिंकी दिखने में कैसी है, बोले तो बहुत खूबसूरत है क्या? बचपन में ना बहुत मोटी होने की, बालों में तेल लगा के दो चोटी बांधती थी और उसका नाक ना हमेशा बहने का। बहुत खेलेला उसके साथ, अपुन डॉक्टर बनने का वो अपुन की वाइफ, अपुन क्लिनिक जाने का वो घर पे बैठ के खाना पकाने की। भाई इतना सब कुछ हो गया तो फिर बचा क्या है, शादी कर डालो ना। अरे तू भी कुछ भी बोलता है यार, दो दिन में उसको मालूम पड़ जाएगा अपन डॉक्टर नहीं है। तो क्या बोल देगा अपन डॉक्टर नहीं है, जो करने का उगाड़ ले। अरे तू भी ना मामू जैसी बात करता है यार, अपन क्यों उसकी जिंदगी खराब करेगा। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ इसको पूछता हूँ, सफारी सूट क्या है, एडमिशन के लिए किसको मिलने का? उधर कैजुअल्टी में जाके फॉर्म भरने का। पेशेंट कौन है? कोई नहीं। तो फिर एडमिट किसको करने का है? भाई को। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ। तो फिर एडमिट क्यों करने का? डॉक्टर बनने का। किसको? अरे भाई को रे, ये अपुन की बात कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं। ये चिरकोट, भाई को जितना सहने का था ना सह लिया, चल अभी बोल किसको मिलने का। बोलता हूँ ना, आपको डॉक्टर बनने का है ना, तो सीधा जाके डीन से मिलिए। डीन बोले तो? डीन बोले तो हेडमास्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, वही आपको एडमिशन देगा। किधर मिलेगा? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में रहेगा ऊपर। इधर डीन कौन है? तू बंदर कैसे आ गए? तू है क्या डीन? गेट अबाउट। ओके सर, यू प्लीज गेट अबाउट नाउ। देखिए आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज प्लीज आप मेरे साथ बाहर आइए, बाहर चल के बात कर रहे हैं, प्लीज कम। एडमिशन चाहिए, HSC परसेंटेज क्या है? बोले तो 12th स्टैंडर्ड, 12वीं में कितना मिला? ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? अरे क्या रे, तू अंदर आ ले क्या, बाहर जा रहे? चल। अरे क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे, तू तो घुस रहे अंदर, रेडियो चोरी करने का क्या? बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे वास्तव। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे, इज्जत लूट रहे तेरी, पुलिस पुलिस चिल्लाने का। तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? नहीं मालूम है। कौन है? GS गायतोंडे, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर महानगर पालिका। क्या रे म्युनिसिपालिटी, इतना बड़ा आदमी हो के एक रेडियो के लिए मगज मारी। ए, ए, क्या है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? अरे तेरा दुकान बंद कर दू क्या, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दू? एक गोली इसके अंदर क्या, तू जितनी बार सवाल पूछेगा ना उतनी बार अपन घोड़ा दबाएगा, बोल। लेकिन मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? पूछना पूछना, मजा आ रहा है भाई, किधर जाने के? अरे पागल हो गया क्या, सवाल क्यों पूछ रहा है? पूछना, समझ में आना, चले आलम लक्की सिंह ऑफिसर। भाई मामू नहीं बोलेगा भाई, आज के दिन खाली बापू बोलेगा बापू। ये दिल तो लीकेज, चल भाग से भाग, अटैच है ना, चल भाग जाएगी घर, भाग छाड़ के नहीं चल, इमरजेंसी मीटिंग चलो चल। वाट लग गया यार अपना, क्या हो गया भाई, भाभी क्या दिखने में अच्छी नहीं है? अरे नहीं रे, क्या दिखती है वो, ये बड़ी बड़ी आंखें और वो क्या बोलते हैं, वो जो बाल ऐसा जो गाल पे आकर गिरता है, शेंडी? नहीं रे, लट लट बोलते भाई, हाँ, लट, 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 लट। वो साला एक लट इधर गाल पे आकर हिल रहा था, प्यार से टच कर रहा था गाल को यार, फिर 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 ना उसने अपनी उंगली से वो लट को उठाकर अपने कान के पीछे, अपुन तो उधर ही बैठ गया साला। क्या भाई तुम क्या कम है किसी से, तुम भी किसी के कान के नीचे एक हाथ मारता तो वो भी बढ़ जाता ना। भाई टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और एकदम विनम्र के साथ बात करने का। ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट।
वो प्रोफेसर बोला मेरे को, भाई उसने बोला कि बापू ने ना विनम्र के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। तेरी तो थोड़ी देर रोक सकता क्या तू? देख अपुन तेरे को फुल विनम्र के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक के रख, हम लोग की मीटिंग की काय को वार्ड लगा रहे हैं। अपुन भी बोले तो क्या विनम्र, विनम्र करता है कि विनम्र के साथ काम होता है मेरे को मालूम है। चल आगे बोल। अच्छा और भाई अपना हिंदी है ना थोड़ा संभाल के बोलने का, जैसा अभी बोलेगा ना कि अपना देश का वाट लगे ली तो बोलेगा कि देश की दुर्गति हो गई लिए। और भाई ना भारी भारी वोट फेंकने का, जैसा हृदय परिवर्तन, आत्मा संतुलन ऐसा। और बोल। और भाई बापू के बारे में ना एकदम कम बात करने का, अभी क्या बापू के बारे में आप लोग कुछ मालूम नहीं है ना, अभी तो वाट लग जाएगी ना, वो दुर्गति हो जाएगी दुर्गति। तो बापू के बारे में तेरी होने में तुम मुरली प्रसाद शर्मा हो? अपुन विनम्र है। तो मुरली प्रसाद शर्मा कौन है? अरे अपुन है। तो विनम्र कौन है? अरे तेरे को कौन मांगता है? मुरली प्रसाद शर्मा जानवी मैडम से ढूंढ रही है। तो बाजू हटना बामो। यहाँ मतलब कर रहे ए, रेडियो चल गया, रेडियो बाहर। गुड मॉर्निंग मुंबई। ये सर्किट। हाँ भाई। ये बापू है ना? हाँ। खाली तेरे को मेरे को काय को दिखता है? क्या ना भाई, तुम्हारा विल पावर इतना सॉलिड है ना, किसके लिए वो बुक के बाहर आ गया, वो अलग दिन है तेरा क्या भविक। अपन भी तो गया था, अपन तुमको लेके गया था ना गांधी ग्रंथालय, इसके लिए आपने को भी हेलो विलो बोल दिया। टेंशन लेना नहीं भाई, दो चार दिन यहाँ पे रहेगा, देश का हालात देखेगा, वापस चले जाएगा बुक में, कोई टेंशन लेने का भाई, काय को इतना सोचने का। पापू ने अपन को बोला कि वो अपन का हेल्प करने आएगा इधर, वो लकी को मकान खाली करवाने का, उधर भेज दू क्या? वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I am your man. शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल, मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। मुन्ना भाई MBBS के बाद तो फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुई और बॉलीवुड को इस फिल्म से एक और नया कॉमेडियन मिल गया, अरशद वारसी। उसके बाद तो इनकी काफ़ी कॉमेडी फिल्में आने लगी, हलचल, गोलमाल, लगे रहो मुन्ना भाई, जोली LLB, ये छोटे पर्दे पे भी नजर आए। ये बिग बॉस Season 1 के होस्ट रह चुके हैं, फिर बाद में इस शो को अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने होस्ट किया। तो दोस्तों अब मैं सुनवाता हूं आपको फिल्म गोलमाल का कॉमेडी सीन, इसे सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को ओनली ऑन रेडियो डान फ्लाइट ऑफ लाइफ। तू यहाँ अटका हुआ है, तेरे को मालूम है वो वहाँ लटका हुआ है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जी, माइंड ब्लोइंग है। आओ, वे तुम लोगों को भेजा था इसको लाने के लिए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों ग्रेप देख रहे हैं यार? कहाँ? वहाँ सामने। हे, हमको अच्छा चांस मिला, लड़की को बचाते और फिर इम्प्रेस करते। हाँ, तेरा आइडिया एकदम सुपर हिट है बॉस। चलो चलो बेबी, सलमान खान इज कमिंग। जैकी चैनल। वेट वेट, मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, तुम लोग के चक्कर में पीटी उषा बन जाऊंगा मैं। आए हो, भागने की क्या जरूरत है? ओ ई आ, टोपी को बुलाते हैं। ए ई आ, ओ वॉचमैन को, ओ पुलिस को, अच्छा पुलिस को, ए अच्छा है क्या यार, ए पुलिस को बुलाते हैं। सेंस पहले हीरो आते हैं बाद में पुलिस आती है। घंटी बजा, घंटी घंटी किधर है? घंटी। अबे मंदिर आया क्या? ओ यार पीछे से, पीछे से। रेप वेब कैंसल, तेरा हीरो आ गया है। हीरो? हाँ। हीरो तो हिंदी फिल्म में सीधा कास्ट तोड़ के एंट्री करता है। ओ ओ मस्त आइडिया है यार, कटेगा कौन? मैं। हाँ।
गुस्से से देख रही हो या शक्ल ही ऐसी है? इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। और तुम लोग की हिम्मत कैसे अंदर आने की? हाँ, पूरे रिहर्सल का सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने। मतलब ये लोग आपका रेप नहीं कर रहे थे? ओ गॉड, नहीं, ये हमारे नाटक का थीम है। मैंने क्या किया? शर्म नहीं आती? ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसे मालदार खानदानी लड़की के बारे में शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे? सॉरी मैडम, मैं माफी मांगता हूं। आप कंटिन्यू प्लीज भाई साहब, रेप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज 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 जारी रखिए भाई साहब, प्लीज जाइए, आपकी बहन जी बुला रही है, जाइए। अच्छा यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ, टेरेस पे घूम रहा था, अपने बर्तन सुखा रहा, सॉरी कपड़े सुखा रहा था मैं। ये नहीं, ये आया मेरे को बोला वहां पे एक लड़की है, चार पांच लड़के लगे हुए हैं, मैं भी सोचा कोई म्यूजिक बजा के थोड़ी कोई रेप होता है। I'm very sorry, this is not my fault. झूठा मक्का। I'm sorry, yeah, really. मैं नहीं, मैं तो आया, ये मेरे को बोला, ये मुझे आके बोला कि वो सामने वाली आइटम पे कुछ लोग रेप कर रहे हैं, चल जाके मदद करते हैं, बचाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की के बारे में ऐसी बेकार बातें फैलाते हुए? ए, चुप रहो, भगवान ने तुमको जुबान दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। गेट आउट। तेरे को जाने के लिए बोल रही है, चल। I said get out. हम लोग जा रहे। Excuse me, madam. गलती तुम्हारी है। What do you mean? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि हम अपने आप को तुम्हें बचाने से रोक नहीं पाए। फिर से काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है, तुलसी और पार्वती के रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? तू तो, तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो। एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। जो इतने दिनों बाद पैसे नजर आए, बोलता वसूली को दे देते। कुछ भी बोल रहा है। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पिएंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ए, चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई। पैसा हरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है। चल चाय बना। चल चल, पैसा दे पैसा। आज तक दिया कभी? नहीं। फिर क्यों मांग रहे? अबे उधार बंद है। तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं। म्युनिसिपैलिटी का नंबर क्या है? बनाता हूँ। इलायची और अदरक डालना। ललिता, शर्म करे, क्या उम्र है तेरी और तू ललिता पवार को देख रहा? अबे नीचे नहीं, ऊपर देख। ओए ललिता बेबी, ओ बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको, मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनना है। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। अरे तुमने भाई को बताया नहीं? या कि भाई संजय दत्त लगता है यार, वही बॉडी, वही फेस कट,
वास्तव का टीका? वसुली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च कर। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार, बड़ा चीप लगता है यार। वही पर्सनैलिटी आपकी, थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी दे ना, ए सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। भाई, वो था ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वॉडी तो आपकी फर्स्ट क्लास है, मुझे कहूँ मैं बताऊँ चले हट हट हट, ये नहीं हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं, एक पर्सनैलिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। गौर से देखना, अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना, अरे चूना लगा रहा है, पकड़ चले वो। इंस्पेक्टर माधव, बरगद के जले हुए पेड़ अपनी हाइट से ज्यादा झूठ बोलता है? लेकिन अब तो सच बोल दिया ना साहब। अबे पहले तो झूठ बोला था। ये सजा उस झूठ के लिए जिस झूठ के वजह से तूने अपने आप को झूठा साबित किया। झूठे, आई हेट झूठा, और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। फुट ले, अरे क्या कर रहा है, ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है। आई हेट लायर्स। तू कौन है? मैं कौन? एंथनी तलपड़े, एंथनी गोंसाल्विस, गोपाल ने भेजा, गोपाल 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 इसकी ले जाके स्टेटमेंट। चलो, और जो झूठ बोला उसको तो सजा मिलेगी। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? तेरे से कौन बात करने के लिए, लेके जाओ, छूटा। पहले मैं तेरे हाथ काटूंगा, उसके बाद तेरे पैर काटूंगा, और उसके बाद देखना वो बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं, हिम्मत रख। तू देखना उसके सर पे ऐसा फटका मारूंगा ना, अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी सॉरी सर पड़ जाएगा उसका, देखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है, निराली मेरी हो जाएगी। वो आगे वो मुझे सुसु आ रही है। ठीक है बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। मार दिया मम्मी, मम्मी 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 मम्मी, हम है तेरे साथ, चल। अरे ये क्या किया तूने, लगता है जान से मार दिया तूने। जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रोड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे, ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं कौन है ये। ए ओ हुआ क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ये बोल रहा है सिर्फ भूख लगी है। चुप माया ओ। अबे तेरी मुंह किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था। दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी, दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार, दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया, पतला हो गया तू। माया ओ वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I am your man.
शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंसले मनीष के साथ। इनकी कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये जब पर्दे पे आते हैं तो हर कोई हंसने पे मजबूर हो जाता है। इन्होंने काफी कॉमेडी फिल्मों में काम किया है और कई कॉमेडी फिल्मों की तो सीरीज भी बनी है। एक फिल्म आई थी धमाल, जिसमें इन्होंने अपनी कॉमेडी से धमाल मचा के रख दिया। आप भी सुनिए और एंजॉय कीजिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल को ओनली ऑन रेडियो डन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गोवा तक छोड़ सकते, गोवा गोवा। अयो आओ ना जी, आओ। क्यों ना जी? थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाओ, थैंक यू। माय सेल्फ मानव श्रीवास्तव, ये आदित्य श्रीवास्तव। आदि आदि। एंड योर गुड नेम प्लीज? अय्यर। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर। முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர் சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர். ஸ்ரீபரவர்தன அட்டபட்டு ஜெய சூர்ய லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ண சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிபள்ளி ஏக்க பரம்பீல பரமதூர சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயரா. லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ணி அய்யோ அய்யோ ஹம் சோட் தேதா நா ஜி ஆப்கோ முஜே சோடா சரே மை துஜே ஜிந்தா நீ சோடுகா இத்தா லம்பா நாம இதரா நஹீ சார் நஹீ சார் திஸ் இஸ் ஓன்லி மை பெட் நேம் சார் ஜூதா நிகலோ சரே பெட் பெட் நேம் ஹே சோ ஆப்கா பூரா நாம கே சார் பதாதா நா ஜி பாய் பத் தூ சரே குச் நஹீ பதாயேகா தூ குச் நஹீ பதாயேகா தூ பாஹர் நிகல் மானா பாஹர் நிகல் பூரா நாம குச் நஹீ பதாயேகா கரனா டப் வாசு தேவா वो पैसे दे दे। पैसे? अरे वही पैसे यार जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखे थे। हाँ, लेकिन आदित्य उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए कम है। अगर उसमें से आंटी को पैसे दे देंगे तो तेरी बहन मर जाएगी। मर जाने दे उसे, मर जाने दे, उसकी किस्मत में यही लिखा है। भगवान मेरी बहन तुम्हारे पास आ रही है और ये औरत आपके पास भेज रही है, संभाल लेना उसे। बस रोना बंद करो और मानव मेरे साथ चलो। जा मानव। जा रो मत बेटा, तेरे पैन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं उस लिए नहीं रो रहा हूं आंटी। तू क्यों रो रहा? आदि ने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि हमारी एक बहन भी है और उसे कैंसर भी है। क्या? हाँ। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए
एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। वेलकम, एक ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। Hey sexy lady, ooh baby, I'm your man। शो चल रहा है कॉमेडी का क्रोकोडाइल मेरे यानी मंचले मनीष के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का शो आपको? मजा आया ना? इसी तरह हमेशा हंसने के लिए अब मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कॉमेडी का क्रोकोडाइल। बस अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है, पर जाते जाते मैं आपको छोड़ जाता हूँ इनके कुछ और कॉमेडी सीन के साथ, जो कि है फिल्म हलचल से, जिसमें ये अक्षय खन्ना के दोस्त बने हैं। ये फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी। तो आप भी मजा ले इनके कॉमेडी सीन का और एंजॉय करें कॉमेडी का क्रोकोडाइल को। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में। आप सुनते रहना रेडियो डन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो वो शादी करेंगे किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। अरे वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाई जा रही है। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मां कसम वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अरे क्या करिए आप, सुनिए सुनिए तो आप। भाभी बात तो और भी बिगड़ गई यार। भाभी भाभी भाई सुनिए भाभी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना भाभी भाई। चलो उठो, अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या है, अब कौन बचा है मेरे लिए? भाभी मैं हूँ ना। शक्ल देखी आईने में अपनी, नींद है कहीं का? तू चल नींद। भाभी भाभी सुनो, मेरा और मेरे बच्चों का मरा मुंह देखे। भाभी क्या कर रही हो आप? शादी? भाभी भाभी ओ भाभी भाभी प्लीज भाभी देखिए प्लीज भाभी, कोई गलत कदम मत उठाना भाभी। भाभी सारे सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा भाभी प्लीज। भाभी देखिए भाभी, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा भाभी, मैं बोल रहा हूँ मैं तोड़ दूंगा भाभी, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कपड़ा भी नहीं बदल सकती क्या? कलम फूटे बर्तन के साथ तू भी टूटे फूटे, सत्य नाश हो तेरा। मर जाऊंगा, अब तो साली सपनों में भी आने लगी। अभी क्या कर रहे तू? जा रहा हूँ कॉलेज छोड़ के, बस अभी मैं और यहाँ नहीं रह सकता। वो लड़की पागल हो गई है यार, क्या क्या कर रही है मेरे साथ तू जानता नहीं। अरे घर में किसी को पता चल गया तो जान से मार देंगे मुझे, हट। अबे यार तू खटमल के डर से खटिया छोड़ के भाग रहे क्या? हाँ मर्द की औलाद है ना, वो लड़की को कॉलेज से निकाल दे। पीछे पड़ी हुई मेरी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसी लड़की का क्या कर सकता मैं? तो क्या हुआ यार, तू भी बोल देना आई लव यू। क्या क्या मैं एक दूंगा साले? अंगारचंद के बेटों को लड़की से प्यार करना तो दूर उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, याद रखना। और यहाँ पे ये सब प्यार व्यार करना हो तो अंगारचंद के बेटों को किसी और बाप के घर में पैदा होना होगा। हाँ यार उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तू होता कौन है मुझसे कहने वाला कि मैं उसे प्यार करूं? किसने कहा प्यार कर? मत कर, बिल्कुल मत कर। फिर अरे नाटक, सिर्फ प्यार का नाटक। क्या? अरे तू नहीं चाहता कि अनपढ़ के लोग तुम्हारे खानदान के सामने घुटने टेके? हाँ क्या क्या क्या? अरे यार वो लड़की खुद चल के आई है सामने से, इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देगा यार?
मैं तो बोलता हूँ तू उसको अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसा, ऐसा फंसा, ऐसा फंसा कि बस वो फंसती चली जाए, फिर बाद में ना उसकी वो बुढ़िया और पूरा खानदान तेरे बाप के सामने आके गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। सोच तेरे घर में तेरी क्या इज्जत बढ़ेगी, हाँ सोच सोच, हाँ अबे सोच मत, यही टाइम है कुछ करने का। सोच तेरे और तेरे बाप का दोनों का बदला पूरा हो जाएगा यार, एक गोली में दो शिकार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये नहीं, ये सब करने से हलचल मच सकती है यार। अरे हलचल तो मचनी चाहिए ना, हलचल मचेगी तभी तो मजा आएगा। ए जय तू बच गया रे, तेरे शादी का बैंड बच गया। जय जय तू बच गया यार, अभी तू जिससे चाहे उसे प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो सांड जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था वो साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ हाँ, तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता साला लंगोड़धारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर में। नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए। किससे? अपनी बीवी से। 7 साल हो गए शादी को और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे उसने, खुफिया तौर से छुपा के रखा उनको। तू मेरे किशन भैया के बारे में ही बात कर रहा है ना? किशन भैया नहीं है, किशन कन्हैया है वो। बजरंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाता, वो जाता है गंगापुर अपनी बीवी से मिलने, गोपी जो टीचर है। लकी, अगर तू मुझे लपेट रहा है तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूँ। मेरे को मालूम था तू मुझे यकीन नहीं करेगा, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देख, हाँ ये तेरे किशन भैया और वो डेफिनेटली हनुमान जी तो नहीं है। बेवकूफ, पहली बार तूने जिंदगी में अकल का काम किया है। अरे किशन भैया क्या ऊंची खेल खेल रहे हैं। अबे मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है यार? मेरी नींद लुट गई और तू साले मजे से खराटे ले रहा है। मैंने कौन सी तेरी नींद उड़ाई यार? मैं कोई लौंडिया हूं या पेट का कब्ज हूं? सोने दे यार। तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ बताया, मैं तो अच्छा खासा अपनी राह जा रहा था, तूने मेरे दिल पे वो इश्क का पलीता डाल दिया। अब धुआं उठ रहा है तो साला खराटे मारेगा। अबे तूने ही तो उसे कह दिया था ना कि तू उसे प्यार नहीं करता, तो बस चैप्टर क्लोज, पन्ना फाड़, बुक तक नहीं डाल के सो जा यार। लोरी सुना तुझे? लोरी फटी हुई आवाज में। यार प्यार कोई किरायेदार नहीं है जो नोटिस दिया और फ्लैट खाली हो जाए। गड़बड़ है, नींद नहीं आ रही है। एक मिनट, मतलब जब आंख बंद करता है तो लड़की दिखाई देती है और जब आंख खोलता है तो गायब है ना? हाँ मैं जानता हूं ये बीमारी के बारे में, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तू गया यार, तेरी तो क्या कर रहा यार? अरे तू क्यों चिल्लाया बे? अबे तू चिल्लाया इसके लिए तो मैं चिल्लाया, लेकिन तू क्यों चिल्ला रहा है? डरा दिया मेरे को यार। मैं सोच रहा था कि जब मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मुझे प्यार हो गया तो क्या होगा, और उतने में तू आया। अबे जब प्यार किया तो डरता क्यों है यार? कोई सामने आया तो सीधा बगावत कर देना। अरे मैं तो बता, लेके जाके उसके साथ शादी कर ले यार, और लेके जा उसको दुबई। चुप कर, कुछ भी बोलता है यार, ये सब फैसले इतने जल्दी नहीं होते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। तू एक काम कर, तू यहां रात भर खड़े खड़े सोच, मैं वहां लेटे लेटे सोचता हूं, समझा? और जब मैं सोच रहा हूं ना तो मुझे जगाना नहीं। कौन है जिसने हमारे भाई जय पर हाथ उठाया? किस साले ने हमारे भाई जय को मारा? तूने
तूने जो लाड़ा किया था ना, तेरे तीनों भाइयों का मालूम पड़ गया, मालूम है क्या? कुत्ते की तरह भोग रहे हो लोग नीचे। तो वो जो तू अनपरा की हीरोइन का हीरो बनने वाला है ना, ये तेरे तीनों भाई है ना विलन, इनको पता चला यही खटिया में गाड़ देंगे तेरे को। पूरी तैयारी में आया था, मैंने देखा उन लोगों इतने बड़े बड़े हाथ में थे मालूम है, खचाक खचाक। क्या बात कर रहा है तूने, बताया तूने कि मैं यहां हूं? मुझे क्या पागल को तेरे घटा जो मैं बताऊंगा, तू जाके बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बस चुप। पागल हो गया क्या? मैं नीचे जाऊंगा, मेरी धुलाई कर देंगे उन लोग। तेरे जो सांड भाई है ना, जो नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो उसकी धुलाई कर देते। देख मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ए भागो, तुम लोग भी भागो यहाँ से, पागल हो गए नीचे, पागल हो गए, जान बचाओ अपनी अपनी, भागो। बोल बता रहे किसने मेरे भाई को मारा, भाई को बताओ, बता किसने मेरे भाई को मारा, छुपा से बोल, बता रहे किसने मारा मेरे भाई को, साले बोल, बता वरना साले काट के रखूंगा, पकड़ो उसे, वो भाग रहे वही होगा साले, रुक जा भाग जा, रुक रुक। अरे दरवाजा किसने खुला रखा है? रोक लेकर आओ। कहाँ है भाड़ा? इस हालात का कॉलेज के छोकरे हिरन की छलांग मारते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है यार। इधर आ! बचाओ! भैया, अरे साला पकड़, क्यों साले क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? तू इतना मुस्तंडा हो गया कि मेरे भाई को मारा? भाई को मारता है साले, भाई को मारता है? मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? तूने नहीं मारा? अरे मैंने नहीं मारा। किसने मारा भैया? नहीं बताएंगे तू साले, छोड़ो इसे। किसने मारा तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल, किसने मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने पीटा उसे। वो है कौन? नाम बता साले का। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया है घर वालों ने। लड़की ढूंढ, शादी कर ले, उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं। कहां से ढूंढूं लड़की, जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV, और फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप, जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मन चाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉगिन करें www.inclub.com और कॉल करें 01244034567। हैप्पी मैचमेकिंग।